योगी मंत्रिमंडल ने पारित किए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर पास हुआ प्रस्ताव। सीएम ग्रामीण आवास योजना लाभार्थियों का पैसा अकाउंट में। कुल मिलाकर योगी की अध्यक्षता में 6 प्रस्ताव पारित हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के विकास में तेजी लाने और आम लोगों को आसानी देने वाले कई प्रस्ताव पारित किए, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर हुई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 3,000 करोड़ ऋण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए के लिए कॉरपोरेशन बैंक से स्वीकृति मिली है। साथ ही यूपी सरकार इसमें अपनी गारंटी भी देगी। बैठक में ग्रामीण सीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए प्रस्ताव पारित हुआ कि इसकी धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाएगी। इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता व सुलह एक्ट में बदलाव को भी मंजूरी मिली है। अब जिला न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश इसकी सुनवाई करेंगे। कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने बताया कि प्रिंटिंग वर्क अब सरकारी प्रेस के अलावा बाहर से भी कराया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। कंपनी का अलग अलग कैटेगरी में न्यूनतम टर्नओवर 2 करोड़, 1 करोड़ और 50,000 रुपए होना चाहिए। कैबिनेट ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण की भी सहमति दी है, जिसके निर्माण के लिए 4,599.88 लाख रुपए खर्च होंगे। साथ ही हाईकोर्ट में मल्टी लेवल पार्किंग और वकीलों के चैम्बर पर कैबिनेट की मोहर लगी है, जिसके निर्माण के लिए 530.7 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इस तरह यूपी मंत्रिपरिषद में सीएम योगी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।